अनुराधा हम आपका अपने चैनल हेल्दी एंड टेस्टी कुकिंग में स्वागत करते हैं। आज हम इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो हम गणेश जी के प्रिय मोदक बना रहे हैं। चलो अनुराधा मोदक बनाते हैं। चलो मोदक की कवरिंग बनाने के लिए हमको चाहिए 1 कप राइस फ्लावर, 1 कप पानी, 2 टीस्पून घी, 1/2 चम्मच सॉल्ट, या आप अपनी इच्छा के अनुसार दही भी ले सकते हैं, ग्रीन कलर एंड फूड कलर रेड फूड कलर। इसके बाद फिलिंग बनाने के लिए 1 कप ग्रेटेड कोकोनट, 1/2 कप जैगरी या गुड़, थोड़ा सा कटा हुआ मेवा जिसमें काजू बादाम किशमिश, 1 टीस्पून रोस्टेड पॉपी सीड्स, थोड़ा सा 2 इलायची का पाउडर। और बनाने के लिए आपको ऑफ कोर्स मोल्ड तो चाहिए। बेक पैन लीजिए, उसमें आप जैगरी डाल दीजिए, हल्का सा इसको मेल्ट होने दीजिए, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद इसमें ग्रेटेड कोकोनट डालिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये फ्रेशली ग्रेटेड है। थोड़ा मिक्स कीजिए, मैं आप गैस है ना थोड़ा सिम पे रखिएगा, क्योंकि आपका जैगरी जलना नहीं चाहिए, आपका गुड़ है ना जलने के नहीं चाहिए, थोड़ा मेल्ट हो जाए। अब इसमें हल्का सा आपको मेल्ट होना दिखना शुरू हो गया, अब इसमें थोड़ा सा कार्डमम पाउडर डाल दीजिए, पॉपी सीड्स, नाउ मिक्स वेल। अब इसमें आप ड्राई फ्रूट्स, बहुत यमी यमी ड्राई फ्रूट्स सब डाल दीजिए। अब इसको पूरा मिक्स होने दीजिए, ये लाइट ब्राउन कलर में टर्न हो जाएगा और थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। Now your filling is ready. It looks very yummy. Keep it aside. ठंडा होने के लिए आप इसको अलग रख दीजिए, जब तक हम इसकी कवरिंग की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप पानी डालिए, 1 कटोरी। अब वाटर थोड़ा सा बॉईल होने दीजिए, फिर इसमें ना सॉल्ट, थोड़ा सा हमने जितना घी लिया है उसका 1/2 घी। हमारा गरम हो गया है, बस बॉईल होने की स्थिति में आ गया है। अब इसमें हम अपना राइस फ्लोर डालेंगे और गैस को थोड़ा सिम कर देंगे। नाउ मिक्स वेल, इसको मिक्स कर दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए कवर अप करके 3 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको कवर करके रखिए। अब आप इसको गरम, ये बहुत गरम होता है, आपको इसको आटे के समान बिल्कुल गूंध लेना है, लेकिन एकदम से हाथ से छूने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा क्योंकि ये बहुत गरम। इसको खूब मलिए खूब मलिए, ये डो में कन्वर्ट हो जाएगा अभी धीरे धीरे मलते मलते। इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे, एक में ग्रीन कलर डालेंगे और एक में रेड कलर डालेंगे। ये ग्रीन कलर का डो आपका तैयार है, बिल्कुल लाइट पिस्ता ग्रीन कलर का डो तैयार। अब सेकेंड पार्ट आप लीजिए, इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालिए, इसका भी डो बना लीजिए। नाउ द अदर डो इज ऑल्सो रेडी। इतना प्यारा रसबरी कलर आया है ये आपका है ना मोदक, बहुत सुंदर लगे। तैयार हो गई है, ठंडी हो गई है, ये हमारे डो तैयार हैं। अब हाथ में आप थोड़ा सा घी लीजिए और मोल्ड में हल्का सा घी लगाइए,
जिससे आपके मोदक बहुत अच्छे से और आराम से निकले। थोड़ा सा डो बनाइए, एक कप। दूसरे का बनाइए थोड़ा सा। इसको प्रेस करके बंद कर दीजिए। बढ़िया जगह कीजिए स्पून से चारों तरफ। इसमें अपनी फिलिंग भर दीजिए। अब आपका जो निकला हुआ था हिस्सा, उसे इस लो को सील कर दीजिए। अब देखिए हम खोल के कि हमारा मोदक कैसा निकलता है, ये देखिए, है ना सुंदर। अब ऐसे ही अपन सब और मोदक बना लेंगे। ये हमारे मोदक रेडी हो गए हैं। अब हम इनको बॉयलर में स्टीम करेंगे। एक गंजी में पानी भरा आधा, उसके ऊपर छलनी रखी, उसके ऊपर आप कपड़ा बिछा दीजिए। कपड़ा इसलिए कि आपके मोदक जो हैं वो स्टीम होके यहाँ चिपक जाएंगे, चिपके नहीं अच्छे से निकले, इसके लिए आप एक कपड़ा बिछा दीजिए। और आप अपने मोदक को थोड़े थोड़े स्पेस पे धीरे धीरे इसमें रख दीजिए। अब इसको ढक दीजिए और 10 मिनट तक वेट कीजिए। लीजिए अब हमारे मोदक रेडी है भगवान गणेश जी को भोग लगाने के लिए। वाओ, लुक सो नाइस। मोदक तैयार है। ओ वाओ, कितना अच्छा दिख रहा है। गणेश जी को भोग लगा देते हैं। हाँ चलो, हो जाए एक एक टेस्ट। सेल्फी।